जैसे कि रैगिंग होता है। अब मैं आपकी होस्ट हूँ। एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं रानी झरना एंड सतरंगा, तो वहां जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी छुट्टी है और हमारे साथ और हमारे बैच की कुछ और हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो यहां बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं और मैं दिखाता हूं, यहां हमारे दोनों एक्स सी आर और करेंट सी आर भी हैं और इधर आगे साइड जो है हमारी क्लास की टॉपर भी बैठी है और एक उधर भी है जो कि सामने पे बैठी है। चल तू ही बोले यार कुछ। मैं क्या बोलूं, हम लोगों को मतलब एटलीस्ट ये फाइनल हुआ कि हम लोग आने वाले हैं, वरना कुछ भी प्लान सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा था। ना तो बैच पार्टी हो रही है, ना कहीं घूमने का प्लान है, ना रिदम का प्लान है। दो लोग बीच किए हम लोगों। मैम आप कुछ बोलिए। क्या बोलूं मैं, बहुत ही मस्त है और ये मेरा पहला ट्रिप है। फर्स्ट ईयर में मैं कोई ट्रिप नहीं किया। बहुत एंजॉयमेंट है सिर्फ उसमें। देखने को मिलता है बाहर से कि रैगिंग होता है, सीनियर से इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चिल है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इधर पे। लेकिन देख ही सकते हो हम लोग कितना एंजॉय किए, और बैडमिंटन के ब्लॉक के थ्रू फर्स्ट ईयर का भी टूर ले सकते हो तुम लोग, कितना एंजॉय किए हम लोग, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इधर, सब चिल। फाइनली गाइस नाउ वी आर इन सतरंगा डैम जो कि इधर आपको दिख रहा होगा, और अभी हम लोग बोटिंग करेंगे और ये हमारा ये जैकेट आ चुका है। और यहाँ यदि आप आओगे तो यार कैश लेके आना ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ नेटवर्क आती नहीं है। ठीक है, तो मैंने विनय से उसका इक्विपमेंट छीन लिए हैं और अब मैं आपकी होस्ट हूँ। एंड हम लोग अभी करेंटली सतरंगा में हैं, बोटिंग कर रहे हैं। पूरा ग्रुप दिख नहीं सकता, दिखेगा तो गिर जाएंगे सब पर थोड़ा ट्राई जरूर करते हैं। सब लोग हाय बोलो। ज्यादा हाय मत बोला। एंड ये पूरा व्यू है, बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे इधर देख सकते हैं, मैं ज़्यादा इधर नीचे नहीं कर सकता, गिर गया तो रिस्क है थोड़ा। फिर वहाँ पे हम कुछ फोटोज खिंचवाए और लंच किए, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। क्या क्या चीजें? चावल है, फिर आलू गोभी की सब्जी है, इंतजार के सारे हाँ, और ये है, और ये जो है पत्तल दिया गया जो कि अच्छा लग रहा है। और इसमें अभी हम लोग खाते हैं। ये लोग पूरी के लिए वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ हमने आराम से बैठकर खाना खाया जिसका की कॉस्ट मात्र 60 रुपीज था। और खाने के बाद फिर हम निकल पड़े दूसरे स्पॉट की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग अब निकल चुके हैं सतरंगा से, और अभी हमारा नेक्स्ट स्पॉट जो कि होने वाला है कौन सा, जहाँ हम गए नहीं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। और वहाँ दादी भी बताई कि रानी झरना से अच्छा देवबहरी है। इसलिए हम निकल पड़े देवपहाड़ी के लिए। सो नाउ वी आर इन नेक्स्ट स्पॉट जो कि है देवपहाड़ी, और अभी हम लोग और इधर ये लोग हैं। देख भाई ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बहुत ही सुंदर सा यहाँ दृश्य है यार। खाना बनाना सख्त मन है। अरे वाह, काफी अच्छी जगह हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस, जो कि इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पास अच्छा सा होगा, लेकिन यहाँ बहुत ही प्यारा था। बता श्रुति मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे आंखों से। बाकी आपको पता नहीं कैमरे में क्या दिख रहा होगा, बट ये भी वही बोल रहा था।
अपन तो मेन स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, काफी सुंदर लग रहा है। क्या वीडियो बनाना है? अरे वो रील बता दो थी, मैं क्या बना गाइस। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर कर देखते हैं। बहुत ही खतरनाक टाइप का है यहाँ पे, चट्टान ही चट्टान। बहुत अच्छा है। अरे खराब कर दिया है, इसका आधार फोटो हो गया लेकिन फिर भी मान नहीं रही है। और यहाँ पे वो क्या बोल रही थी, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं बस बोल रहा था कि चढ़, तू चढ़ सकती है करके। उसके बाद हम वहाँ मस्त नहाए, नहाते नहाते लगभग शाम हो चुका था, जो कि बहुत ही मजा आ रहा था वहाँ पे। वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था हमें। गाइस हमने यहाँ काफी टाइम स्पेंड कर लिया, जो कि अभी शाम हो चुका है, जो कि बहुत ही मजा आया। मैं लोग से रिव्यू पूछता हूँ कि कैसा रहा इनका ट्रिप। ब्रो कैसा रहा? अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप था, अचानक से बोला गया कि जाना है, चले आए, ऐसा सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा ट्रिप, बट बहुत अच्छा था। सर आपका? नहीं, प्लानिंग कमेटी में था, मजा आया, बहुत अच्छा लगा, ये वाला ज्यादा बेटर था, बहुत ही मजा आया, भले ही मजा आया। आपको बताइए कैसे लगा? बहुत मजा आया, नेक्स्ट ट्रिप और प्लान करेंगे, ऐसे जाएंगे, बहुत मजा आया, यहाँ जरूर आना। मैडम जी आपका? बहुत ही फन था, एकदम रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। हम जैसे मेडिकोस को जितना स्ट्रेस से डील करते हैं, महीने में एक बार तो आनी ही चाहिए। सही बात है, मेडिको रिकमेंडेड। यस यस, तो गाइस यहीं पास हमारा समाप्त होता है, फिर जाते हैं कुछ चाय पियेंगे, उसके बाद फिर गर्मी। गाइस मेरे फोन में बस 2% चार्जिंग बचा, 2% में जितना हो रहा है उतना हो पाएगा, उसके बाद खत्म। वापस लौटते समय वहाँ हम अपने एक दोस्त के यहाँ रुक गए थे, जहाँ हमने चाय वगैरह पी, और वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम निकल पड़े